करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 9th of June 2024 संडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष। पिछले हफ्ते में बहुत सारा एक्टिविटीज हुआ जिसमें से मेनली था हमारा एग्जिट पोल फॉलोड बाय द एक्चुअल रिजल्ट इलेक्शन आउटकम। एग्जिट पोल के बाद मंडे 3rd June को सबको पता है मार्केट एकदम धमाधम ऊपर की तरफ जा रहा था, यूफोरिया एकदम पीक में था। एंड जब मंगलवार को इलेक्शन काउंटिंग का नंबर्स आना चालू हुआ एकदम नीचे 20% करेक्शन हुआ था। ये है धोबी घाट का धुला, यानी मंगलवार को जो पहले का ओवर रिएक्शन था उसका रिवर्सल हुआ, रिएक्शन सब्साइड किया एंड वेंसडे ऑनवर्ड्स फिर दोबारा वापस चला मुरारी। जहां से मंडे को क्लोज दिया था वही के उसी लेवल के ऑलमोस्ट नजदीक। तो यहां पे ये जो एक्टिविटीज हुआ है ये हाइपर इमोशनल डिसबैलेंस के कारण हुआ है, जहां पे एक फोमो था एंड रिजल्ट्स उस हिसाब से नहीं आने के कारण मार्केट में बहुत ही बड़ा धोबी घाट का धुलाई। धोबी घाट का धुलाई यानी पहले अगर धोबी का कपड़ा धोते हुए देखेंगे तो नीचे सामने गिराने से पहले वो पीछे ऐसा ऐसा समथिंग लाइक दिस। तो वही धोबी घाट का धुलाई हुआ, पहले चढ़ाया फिर गिराया फिर अभी ऊपर जाएगा। ये था हमारा मार्केट का मेजर एक्टिविटी। उसके बाद क्या हुआ, ये फ्राइडे को अपना बोले तो फेड का जो एनएमपी जीता much better than expectations था, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स वीकली जो क्लोज दिया हुआ है वो है आपका at 104.93। अगर आप इसको डेली चार्ट में देखने का प्रयास करोगे तो देखोगे फ्राइडे का जो एक्टिविटी था फ्रॉम द रिसेंट स्विंग लो, ये वाला था जो था 104 के आसपास, उस रिसेंट लो से ये ऑलमोस्ट 100 पिप्स हायर जाके क्लोज दिया हुआ है। ये आपका जो एक्टिविटी था मेनली बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशंस आफ्टर द एनएफपी डेटा क्या आया आप सभी को पता है, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग द डेटा, आई विल डिस्कस इट्स पोस्ट इफेक्ट। अभी ये एनएफपी डेटा के बाद डॉलर में काफी स्ट्रेंथ देखा गया, क्या लग रहा है कि शायद सितंबर का जो बात है रेट कट वो नहीं होगा, जिसके कारण यहाँ पे बुलिशनेस देखा गया। हम अगर यूएस 10-ईयर ट्रेजरी एंड 2-ईयर ट्रेजरी में भी देखेंगे वहां पर भी फ्रॉम द लो एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखा गया। दैट बीइंग द केस अभी क्या ये और लंबे समय के लिए रेट को पॉज रखेंगे एट हाई लेवल्स या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। सो चेंजेस के लिए हम दो क्लूज को पकड़ेंगे, एक है बीओसी बैंक ऑफ कनाडा का रेट कट एंड ईसीबी का रेट कट, तो बैक टू बैक रेट कट हो चुका है क्वार्टर बेसिस। व्हाट नेक्स्ट, आपको क्या लगता है दिस कंट्रीज चाहे वो कनाडा हो या ईसीबी हो all these developed countries standalone basis पे कोई decisions लेते हैं, आपका क्या answer? मेरा जो answer है वो है कि लगता नहीं कि ये एक standalone decision। हाँ, एक country specific अगर होता, एक country का अगर कनाडा का होता या सिर्फ यूरोप का होता तो शायद ये standalone, लेकिन दो back to back और नहीं वो खुद को रोक पा रहे हैं इंटरेस्ट रेट कटिंग से। दैट मींस ये जो झुंड है, झुंड का एक या दो मींस इन दिस केस दो मेंबर ने ऑलरेडी बोला कि और नहीं हो रहा है, अभी मैं रेट कट चालू कर दिया हूं। तो ये इट्स ए नॉट ए स्टैंड अलोन प्रोसेस, शायद आने वाले समय में फेड भी कुछ इंडिकेशंस दे दे। सो दोनों को हम रखेंगे, एनएफपी डेटा जिसके बाद डॉलर इंडेक्स ऊपर करेक्शंस किया एंड यूएस 10-ईयर ट्रेजरी एंड 2-ईयर ट्रेजरी फ्रॉम 4.3
3.30, so 4.42 get us first jacket close the end. Next week, Monday onwards, हमारा भारत आए 12th of June, back to back, दो important data. पहला वाला है CPI, US CPI data, शाम को हमारा IST 6 PM पे, followed by midnight, हमारा midnight में FOMC data. This is very crucial. क्या कुछ indications for forthcoming rate decisions? Are they going to take? इसके ऊपर हमें इंतजार करना पड़ेगा. Considering the fact, the June में एक बंदा, एक member कोई standalone decisions नहीं ले, so we need to be highly cautious. अभी हम आते हैं डॉलर इंडेक्स का वीकली चार्ट में. वीकली चार्ट क्या बोल रहा है? यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, डॉलर इंडेक्स वीकली जो प्राइस एक्शन जोन है, ऑन द हायर साइड 107 एंड ऑन द लोअर साइड ये 100.70 से 101.00 के बीच एक जोन के अंदर में कब से खड़े हैं? नवंबर 2022 से इसी रेंज के अंदर में है. अभी इंतजार है क्योंकि इस टाइप का रेंज बाउंड मूव अनलिमिटेड अनडिफाइंड पीरियड के लिए रह नहीं सकते. To break either on the higher side or on the lower side. Current scenario pe everybody is waiting for the lower side breakdown. So jab tak ye 107 ke aaspaas consolidate nahi karte ya 101 ke aaspaas consolidate nahi karte tab tak yahi dono taraf ping pong ball ya basketball ya volleyball ya football jo bhi ho ek dusre ko pass Rate cut, no rate cut. तो अभी हमें प्राइस सेक्शंस को कैरफुली मॉनिटर करना है. यहाँ पे आप आगे देखोगे कौन सा क्या देखोगे. 13th मई का जो मदर कैंडल है, व्हाई इट इज अ मदर कैंडल, 13th मई का वीकली कैंडल के बाद 20th मई का वीकली कैंडल एंड 27th मई का वीकली कैंडल, दोनों ही कैंडल बैक टू बैक, ये कैंडल 13th मई के रेंज के अंदर में. That means this 13th May wala candle has become an important zone. Jiske niche lower direction mein jane ka higher probabilities hai and on the higher side us high ke upar higher side jane ka possibilities hai. Yahan pe dekhenge ki Friday ke din mein thoda sa try kiya tha low ke niche sustain karne ke liye. Yahan pe touch nahi अभी इसको डॉलर इंडेक्स को अगर नीचे आना है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ इस रेंज को ब्रेक डाउन करना है, तब जाके हमारा कुछ मींस डाउनसाइड इंडेक्स में मूवमेंट. अगर उल्टा देखना है तो इसको ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल के साथ हाई को क्लोज देना है. That is nothing, but our main concern is breaking downward. So, जब तक इस 104 के आसपास आके एक strong negative candle, इस type का एक negative candle ना दे, followed by follow through, यानी इसके low के नीचे next day sustain करना, तब तक ये dollar index जो है ऊपर side में 107 एंड नीचे की तरफ 100 for narrower perspective 105.50 on the higher side and 104 on the lower side is zone ke andar mein hi time pass karna chahiye. Ye ho gaya dollar index. Next aate hai hamara GBP dollar. GBP dollar mein kya dekhenge? GBP dollar mein ek strong negative weekly candle banaya hua hai. Yahan pe ye jo weekly candle hai yahan pe dikha raha hai एक नीचे के तरफ डाउनवर्ड जाने का. अगर हम डाउनवर्ड जाने का देखेंगे तो इमीडिएटली हमारा जो एक मेजर सपोर्ट जोन है दिस वन, जीबीपी डॉलर को अगर नीचे के तरफ आना है इस सपोर्ट जोन को तोड़ के नीचे जाना पड़ेगा. ये क्यों इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है? ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन इसीलिए है क्योंकि
ये पहले चेंज इन पोलैरिटी बना चुका था. व्हाट इज चेंज इन पोलैरिटी? पहले रेजिस्टेंस था, नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए सपोर्ट. ये हो गया जीबीपी डोमेन. जब तक इसको नीचे नहीं करता है तब तक बाई डिप्स विद इन रेंज on the lower side 1.265070 on the lower side and on the higher side 1.28 1.2850 इसी रेंज के अंदर में बिहेव करना चाहिए. नेक्स्ट इज आवर जीबीपी आईएनआर. यहां पर भी एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ जिसका चेंज इन पोलैरिटी लेवल्स है यहां पे, यानी इसको फर्दर अगर डैमेज करता है देन एंड ओनली देन फर्दर नीचे की तरफ आएगा, बट एज ऑफ नाउ इस तरफ आने का हायर प्रोबेबिलिटीज है. नेक्स्ट इज आवर यूरो. यूरो डॉलर लास्ट वीक इसी ने रेट कट किया हुआ है. अभी यहाँ पे एक जोन नीचे की तरफ आपका 1.0750 एंड ऑन द हायर साइड 1.0. इस रेंज से बाहर निकलना है यूरो डॉलर को. अगर ऊपर की तरफ जाना है तो हाई को तोड़ना है स्ट्रॉन्गली, अगर नीचे आना है लो को तोड़ना है, देन ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग. यूरो आईएनआर सिमिलरली यहाँ पे एक सपोर्ट जोन जो है ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया. अगर पहला तो है इसके तरफ आने का हायर पॉसिबिलिटीज है ये जोन पे. क्या जोन है? 89.90 से 90.00. इसको भी ब्रेक डाउन करते हैं तभी जाके फर्दर फॉल के लिए हम उठ सकते हैं. डॉलर डॉलर येन बंदा आपका रुका हुआ है वही 150 175 152 ऑन द लोअर साइड एंड 160. कल के दिन में इम्पोर्टेंट जापान का डाटा है, आई थिंक द जीडीपी डाटा है, नो प्रॉब्लम. जीडीपी डाटा अगर है जस्ट सेकंड को चेक कर लेते हैं. यस, जापान का जीडीपी डाटा है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रहेगा. तो मेनली बीओजे का एक्शन क्या होता है तो ये रेंज बाउंड ही होगा जब तक इधर से ब्रेकआउट नहीं करता. ये एन आई एन आर में भी सिमिलरली एक जोन बन चुका है. क्या जोन है? नीचे की तरफ 50 to 50 to 30 एंड ऊपर की तरफ 55 55 20. इस जोन के अंदर में ये कंसोलिडेट करेगा जब तक इधर से ब्रेकआउट नहीं करता. डॉलर कैंडी कैंडी भी रेट कट किया हुआ है एंड यहाँ पे ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है एज ऑफ नाउ. लेकिन ये जो ऊपर 1.3850 नीचे 1.36 जोन बिकम्स वेरी क्रूशियल. $80 में हम देखेंगे कि पहले यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन था, ऊपर की तरफ जाना था, ऊपर की तरफ ऊपर ब्रेकआउट करता है हायर रेंज को तो यहाँ पे जाना था लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया. रदर ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन बना. फॉल्स ब्रेकडाउन के जैसे यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन के बाद अदर साइड में चला गया, यहाँ पर भी फॉल्स ब्रेकडाउन के बाद ऑन द हायर साइड ब्रेकडाउन के बाद ये देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज 6450 से 6500 की तरफ $80 जाने के लिए तैयारी कर रहा है. नेक्स्ट इज सीएमएच. सीएमएच यहाँ पे आपका एक रेंज के अंदर में फंसा हुआ है बेसिकली आपका पीबीओसी का एक्शन हमें देखना है एंड 7.29 7.2950 के ऊपर चाइना का जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट ड्यूटी हाइक का जो खेल चल रहा है उसको भी हमें थोड़ा सा नजर रखना है. ब्रेंट क्रूड जो वीकली कैंडल यहाँ पे नीचे की तरफ कहाँ पे डीप डाउन किया था 76.70 यहाँ पे आने के बाद फिर बाउंस बैक किया, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वीकली एक्टिविटीज को रिकवर कर चुका है. दैट मींस द केस व्हाट नेक्स्ट. अभी व्हाट नेक्स्ट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज साइडवेज के बाद हम देखेंगे क्या होता है. यूएस 10 ईयर ट्रेजरी नीचे आपका 4.30 को टच डाउन करके फिर दोबारा ये ऊपर जाके क्लोज दिया हुआ है. इसको अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे तो क्लैरिटी ज्यादा आएगा. देखो नीचे आया, इस सपोर्ट लेवल को तोड़ के फिर ऊपर फॉल्स चला गया है. सो यहाँ पे एक क्या था, एक मदर कैंडल था ये कंटिन्यूमेंट, इसके लो के नीचे आया लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया और रदर ऊपर चला गया. 10 ईयर को अगर नीचे आना है तो इस मदर कैंडल के लो के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज देना पड़ेगा एंड उसके लो के नीचे नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करना पड़ेगा. जो इमीडिएटली पॉसिबल नहीं ओनली आफ्टर
एफएमसी रेट डिसीजंस एंड आल्सो 6 पीएम का मूवमेंट जो 12 तारीख से 6 पीएम का था सीपीआई डेटा के बाद एंड एफएमसी रेट डिसीजंस के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फाइनली इज आवर डॉलर में डॉलर रुपये बहुत खतरनाक लेवल पे बैठे हुए हैं सो यहां पे कुछ कर नहीं सकते ऑन द हायर साइड 83.57 एंड नीचे की तरफ 83, 82, 83, 83.25 उसके बाद हमारा इनविजिबल हैंड्स का पकड़ देखना है कितना दिन तक कितना समय तक कितना महीने तक कितने साल तक ये एक रेंज में रखते हैं रख नहीं मैं ये नहीं बोलूंगा कि रख पाते पाएंगे क्या दे आर माइटी can do so many things to restrict the currency within a range. So, unke capability pe, capacity pe, ability pe hume koi doubt nahi. Rather, unka kab perspective change hoga, uske upar hume dhyan dena hai. So, as of now, 57 ke resistance mein the, 82, 83, 83. Isi ke beech mein dhanadhan, ye dhanadhan. Jab tak मैक्रो लेवल में इंडिया पर्सपेक्टिव एज वेल एज द ग्लोबल पर्सपेक्टिव में कुछ मेजर चेंजेस मैक्रो एज वेल एज माइक्रो लेवल्स में कुछ चेंजेस नहीं आते हैं तब तक इसी रेंज के अंदर में खेलते रहेंगे खेलने दो खेलो इंडिया खेलो सो करेंसी क्विकली एनालिसिस अभी के लिए इतना आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए कमेंट कीजिए एंड शेयर थैंक यू एंड मंडे यूनिवर्स नए एनर्जी के साथ बजाज को फेस करने के लिए बाय बाय.